अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बलोच एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यूसुफ बलोच ट्रैवल व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लाहौर में मौजूद बादशाही मस्जिद, अलामा इकबाल साहब की मज़ार, हफीज़ जलंधरी साहब की मज़ार, ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान जिसको नेशनल मोनूमेंट भी कहा जाता है, और डांसिंग फाउंटेन झील में होने वाले इवेंट को इंजॉय करेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने बादशाही मस्जिद को विज़िट किया। ये मस्जिद 1671 से लेकर 1673 के दरमियान तामीर की गई। इस मस्जिद को मुग़ल के मशहूर हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया था। ये मस्जिद पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर में टूरिज़्म के हवाले से बहुत अहमियत रखती है, और हर साल दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग इस खूबसूरत मस्जिद को देखने आते हैं, और तकरीबन 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। इस मस्जिद में 1,00,000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। 1799 में रंजीत सिंह ने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया तो इस मस्जिद पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया और इसके अंदर अपनी फ़ौज को रखना शुरू कर दिया, और इस तरह रंजीत सिंह ने इस मस्जिद को अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद में जब 1857 में बरतानिया ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो इस मस्जिद पर भी बरतानिया का कब्ज़ा हो गया और इसकी मैनेजमेंट सारी बरतानिया के पास चलेगी। और 1947 में जब अल्लाह के करम से पाकिस्तान बना तो इस मस्जिद की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के पास चली गई। इस मस्जिद के मीनार की ऊंचाई 53.75 मीटर है। 1960 तक इस मस्जिद की दोबारा मरम्मत की गई, जिस पे तकरीबन 4.9 मिलियन रुपीज़ का खर्चा आया था। जब कभी भी आप इस मस्जिद को विज़िट करें तो यहाँ पे नमाज अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, आपको बहुत दिल सुकून मिलेगा। इस मस्जिद को विज़िट करने के बाद मैंने अलामा इकबाल साहब की मज़ार पे हाज़िरी दी। मज़ार मस्जिद की मेन एंट्रेंस से तकरीबन 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। शायर मशरक़ अलामा इकबाल साहब को बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया के दानिश्वर जानते थे। पाकिस्तान की आज़ादी में आपका कलीदी किरदार था। अलामा इकबाल साहब की मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद मैं हफीज़ जलंधरी साहब की मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए गया। आपकी मज़ार पे मैंने दुआ की। आप मेरी एक फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, आप ही वो शख्सियत थीं जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। इसके बाद जमशेद भाई थक चुके थे और इनकी थकावट का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हमने कंटीन से हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट की। रिफ़्रेशमेंट करने के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क को विज़िट करने के लिए चले गए। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इसको तकरीबन 328 एकड़ के ऊपर बनाया गया। इस पार्क को 2016 में PHA की मदद से मुकम्मल किया गया और इसको उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इनागुरेट किया था। ये एक फैमिली पार्क है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन्स भी चलाई गई हैं अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं। इसी पार्क के अंदर मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। मीनार पाकिस्तान ही वो जगह है जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास की, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनी। मीनार पाकिस्तान की हाइट 70 मीटर है।
अगर आप इन सारी प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस होंगी कि आप मगरिब से तकरीबन 2-3 घंटे पहले जाएं। सबसे पहले आप बादशाही मस्जिद को विज़िट करें, वहाँ पर नमाज़ अदा करें, अल्लाह के हजूर दुआ करें। उसके बाद अलामा इकबाल साहब की मज़ार पर हाज़िरी दें, फिर आप हफीज़ जलंधरी साहब की मज़ार पर हाज़िरी दें, उसके बाद आप पार्क को विज़िट करें। तब तक मगरिब भी हो जाएगी और मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि आप मगरिब के बाद भी तकरीबन 1 से 2 घंटे वहाँ पे गुजारें। उसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, लाइटिंग के अंदर जब आप बोटिंग करेंगे तो उसका आपको मज़ा आएगा। बोटिंग करने के बाद आप डांसिंग झील के अंदर चले जाएं। डांसिंग झील में मगरिब के तकरीबन आधे घंटे के बाद लाइटिंग शो होता है और ये शो 1 घंटे के वक्फे से 3 दफ़ा होता है। अगर आप पहला मिस कर देते हैं तो आप दूसरा भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपसे दूसरा भी मिस हो जाता है आप तीसरा भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इस अपने YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।